जेटली बीती देर रात माता वैष्णो देवी दे दर्शनां दे लई गए श्रद्धालुओं दे विच भगदड़ मची और भगदड़ दे कारण कई लोगों की मौत हुई, अनेक लोग जख्मी हुए ने। 12 दे करीब मौतां हुईयां दसियां जा रही ने, अते दर्जना लोग जख्मी हुए ने जिन्हां नूं हस्पताल भर्ती करवाया गया इलाज दे लई। उत्थे ही वड्डी खबर इस वेले दी सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर दे राजपाल वल्लों मुआवजे दा ऐलान कीता गया। दस्सिया जा रहा है कि मृतकां दे परिवारां नूं 10-10 लाख अते जो लोग जख्मी होए ने उन्हां नूं 2-2 लाख दी मुआवजा राशि देण दा ऐलान कीता है। ते इस नाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जख्मी होए ने उन्हां दा हाल जाणिया ते मृतकां दे परिवारां दे नाल अफसोस जिहड़ा जताया उन्हां नूं और दुख जिहड़ा सांझा कीता परिवारां दे नाल और सोशल मीडिया राही ये दुख सांझा कीता गया। ते नाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों भी मुआवजा राशि दा ऐलान कीता गया। वड्डी खबर सामने आ रही है, मृतकां नूं 2-2 लाख अते जो जख्मी होए ने उन्हां नूं 50-50 हज़ार की मुआवजा राशि। उत्थे ही जम्मू कश्मीर के राजपाल ने मुआवजे का ऐलान किया है, 10-10 लाख का मुआवजा मृतकां के परिवारों नूं अते जो जख्मी होए ने उन्हां नूं 2-2 लाख की मुआवजा राशि देण का ऐलान किया है। तो तस्वीर कुछ दिखावांगे तुहानूं, कुछ सियासतदानां दे ट्वीट्स या तस्वीर ने दुख का प्रगटावा किया जा रहा है। बीती देर रात की घटना दसी जा रही है और नवे साल मौके माता वैष्णो देवी वड्डा इकट्ठ वड्डी भीड़ जड़ी वड्डी गिनती है श्रद्धालुओं की दर्शनों के लिए उत्थे गई हुई सी और उत्थे बहस हुंदी और बहस के चलते और इको दम जो माहौल है वह इन्ना तनावपूर्ण हो जाता है कि सांभ पाना स्थिति नूं कंट्रोल कर पाना एक बार औखा हो जाता है। और उत्थे तस्वीर जो हुण तक दियां सामने आईयां ने जो असीं तुहानूं स्क्रीन से दिखा रहे हो, तस्वीर बीती देर रात दियां ने, तकरीबन 2:45 दियां तस्वीर ने जदों स्थिति नाजुक हुंदी और माहौल तनावपूर्ण हुंदा है जिस विच भगदड़ मचदी है और भगदड़ दे विच 12 लोगों की मौत हुई दसी जा रही है और 26 दे करीब लोग गंभीर जख्मी दसे जा रहे हैं जिन्हां नूं नेड़े हस्पताल इलाज दे लई दाखिल करवाया गया। उत्थे ही जम्मू कश्मीर दे राजपाल दे वल्लों मुआवजा राशि का ऐलान किया गया, 10-10 लाख की मुआवजा राशि मृतकों के परिवारों नूं अते 2-2 लाख की मुआवजा राशि जख्मियों नूं देण दा ऐलान किया। उत्थे प्रधानमंत्री पल पल हाल जान रहे ने, जम्मू कश्मीर के गवर्नर दे नाल गलबात करके सारी स्थिति जिहड़ी उह जानण दी कोशिश की जा रही, जानकारी लई जा रही और नाल ही उन्हां ने भी मुआवजा राशि का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान है कि 2-2 लाख मृतकों के परिवारों नूं अते जख्मियों नूं 50-50 हज़ार की मुआवजा राशि दी जानी है। और वड्डी खबर इस वेले दी, नवा साल चढ़दा और चढ़दे साल ही मंग भागी खबर सामने आती है। माता वैष्णो देवी दर्शनों के लिए गए श्रद्धालुओं दे विच जदों भगदड़ मचदी और इस भगदड़ दे विच 12 दे करीब मौतां हुईयां दसियां जा रही ने और वड्डी गिणती श्रद्धालुओं दे लई माँ वैष्णो देवी दे दर्शन करन पहुंची हुई सी, पर स्थिति इकोदम खराब हो जाती और माहौल इकोदम तनावपूर्ण हो जाता है और कई मौतां 12 दे करीब जिहड़ियां मौतां हुईयां ने ते बीती देर रात दियां तस्वीरां जदों स्थिति तनावपूर्ण हुई 12 मौतां और 26 के करीब लोग जख्मी जो कि जेरे इलाज ने उन्हां दी मुआवजा राशि दे लई जम्मू कश्मीर दे राजपाल दा ऐलान, 10-10 लाख मृतकों के परिवारों नूं अते 2-2 लाख जख्मियों नूं। ते नाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुआवजा राशि दा ऐलान किया है, 2-2 लाख मृतकों के परिवारों नूं अते 50-50 हज़ार जख्मियों नूं देण दा ऐलान किया है। वड्डी खबर है और कुछ ट्वीट्स की तस्वीर दिखावांगे तो प्रधानमंत्री वल्लों दस्या गया है जो मुआवजा राशि देनी एक्स ग्रेशियो ऑफ रुपीज 2 लाख ईच। तो पीएम फंड दे विचों 2 लाख रुपया मृतकों के परिवारों नूं देने का ऐलान किया और 50,000 जख्मियों नूं। उत्थे ही राहुल गांधी का ट्वीट भी असं दिखा दें, माता वैष्णो देवी मंदिर जो भगदड़ मच जाती है और वड्डी दुर्घटना वापरती है उसनूं लैके ट्वीट किया गया और अमित शाह वालों ट्वीट किया गया है, दुख का प्रगटावा किया गया है। तो वड्डी खबर इस वेले दी, परिवारां दे नाल दुख जिहड़ा जताया गया परिवारां दे नाल, क्योंकि इस वेले जिहड़े परिवारां दे जी गए ने जो दर्शनां दे लई गए हुए सन नवे साल मौके ते, चढ़दा साल जिहड़ा उन्होंने माँ वैष्णो देवी दरबार मनाउणा सी पर वड्डी घटना उत्थे वापर जांदी है और 12 दे करीब मौतां हो जांदियां ने और कई लोग जख्मी दसे जा रहे ने जो कि जेरे इलाज ने। तो तस्वीरां जो उस वेले स्थिति बनी सी वो दिखा दिंदे आ।
Thank you.
ਕਰੀ ਹੈ।